यमुना का जलस्तर बढ़ने से बड़ी लोगों की परेशानी। बारिश से लगातार यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते यमुना किनारे बसी कई कॉलोनियों में बाढ़ की स्थिति आ गई है। यहाँ लोग बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मकान खाली कर सुरक्षित स्थान तलाश रहे हैं। वहीं सैकड़ों परिवार अभी भी यहाँ रह रहे हैं। प्रशासन की माने तो हालांकि अभी यमुना खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन दो दिन के अंदर 65,000 से 80,000 क्यूसेक पानी आने की संभावना है, जिसे देखते हुए घाटों के आसपास राजस्व सिंचाई विभाग की टीम गठित कर दी गई है। वहीं यमुना के उस पार जाने वाले लोगों के लिए सरकारी स्टीमर भी लगा दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से घाटों के आसपास पीएसी के गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। वहीं स्थानीय नाव चालकों पर रोक लगा दी गई है, जिससे किसी भी प्रकार की घटना न हो। इस संबंध में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने बताया, बारिश के पानी के कारण यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी तक यमुना खतरे के निशान से 50 से 60 सेंटीमीटर नीचे है। यमुना के जलस्तर से जो इलाके प्रभावित हैं, उनके दृष्टिगत प्रशासन द्वारा राजस्व की टीम गठित कर दी गई है। साथ ही लोगों से मकान खाली कर सुरक्षित स्थान तलाशने की भी अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मकान खाली नहीं कर रहे। अगर आवश्यकता पड़े तो यहाँ के मकानों को खाली कराया जाएगा, जिसके लिए संबंधित थाना कोतवाली पुलिस को आदेशित किया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि बाढ़ के पानी को देख यमुना में नहाने न जाए, क्योंकि ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जो पानी पानी थोड़ा जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से काफी नीचे, लगभग 50-52 से 60 सेंटीमीटर नीचे है यमुना का जो खतरे का जलस्तर है। जो यमुना जी में पानी बढ़ता है, उस पर सबसे पहले प्रभावित होने वाले इलाकों में जयसिंहपुर गांव का एरिया है, जहां जयसिंहपुर में यहां पे हमारे सभी राजस्व टीमें यहीं पर ही नहीं, जो भी प्रभावित होने वाले इलाके हैं खतरे की बाढ़ के बिंदु के बाद, सभी हमारी सक्रिय है चौकियां, सभी राजस्व कर्मी, अन्य विभाग के कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी है, सभी लोग तैनात है वहां पे। ये चूंकि खादर का एरिया है और यहां पे लोगों ने खादर जो निचला इलाका होता है वो है, यहाँ पे लोगों ने समय समय पे अपने कुछ जो ये मकान बना लिए हैं, कुछ पानी यहाँ पे आप देख रहे हैं, कुछ मकानों के आसपास 1 फीट तक भी हो सकता है, यद्यपि उसके नीचे ही है। तो सड़क पे कहीं कहीं पानी है, जो कच्ची सड़कें हैं, यहाँ पे डुग्गी पिटवा दिया गया है। लोगों को हमने ये भी आग्रह किया है कि वो सुरक्षित स्थान पे आ जाएं, लेकिन यहाँ के लोगों ने ये भी बताया, जैसा कि आपके सामने बात हुई है, कि अभी उनको बाढ़ से खतरा नहीं महसूस हो रहा है। खुद इस बात गांव के लोग कह रहे हैं, बता जा रहा 2 तारीख को और भी पानी, और डुग्गी पीटने के बाद भी अपने यहां से जो मेरी बाढ़ चौकी वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो बलपूर्वक उनको हम लोग रेस्क्यू कर लेंगे। एसओ को बता दिया गया है, अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो भी मैं उनको निकलवा लूंगा। सर 2 तारीख को और भी पानी यमुना में नहा रहे हैं और गहरे पानी में लोगों का जाने से अभी भी नहीं रोका जा रहा है यमुना के जो घाट है। देखिए, आप ये जानते हैं कि यमुना के घाट पूरे मथुरा में बहुत विस्तार से है, पानी बढ़ा हुआ है, गांव के लोग भी घाटों पर भी लोग उत्साही लोग होते हैं जो स्नान करते हैं। कई दृश्य मुझे भी 1-2 देखने को मिला, जो बालक तैर रहे हैं, ये खतरनाक है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील करूंगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का रिस्क न ले, क्योंकि हर जगह पे प्रशासन, हर घाट पे, हर जगह सबके लिए रखवाली करना संभव हर स्थान पे नहीं होता है। तो इसमें हमारी ये अपील है आप लोगों से कि जन जन तक ये बात पहुंचा दें कि बाढ़ के पानी में उत्साह में तैरने इत्यादि की क्रियाओं को न करें, नहीं तो इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। अभी कितना पानी और आने की संभावना है? देखिए, पानी वहां से छोड़ा गया है, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंचाई के भी है, इन्होंने ये बताया कि अभी लगभग 65-80 हजार क्यूसेक के आसपास पानी अगले 1-2 दिनों में और आने की संभावना है। लेकिन वो भी जो पानी आएगा, उसका आकलन ये है कि जो वो खतरे के निशान के नीचे ही रहेगा, और कोई भी स्थितियां जब विषम होती है तो खतरे के निशान के ऊपर आने के बाद ही विषम परिस्थितियां होती हैं। और आप लोगों को भी जानकारी है, पूरे प्रशासन को, यहाँ के लोग कई वर्षों बाद यमुना जी में चूंकि थोड़ा पानी आया हुआ है, इसलिए सभी की सक्रियता भी। नगला मलान में एक किसान को रेस्क्यू किया गया शरीर में, जो आप बता रहे हैं रेस्क्यू किया गया है, इसका मतलब आप ये स्पष्ट है कि प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। जिला कहीं कोई अगर नहीं निकल रहा है तो उसको हम लोग निकाल भी लेंगे। जिला प्रशासन कंट्रोल रूम नंबर जारी भी कर दिया? हाँ, कंट्रोल रूम नंबर जारी हो गया है, जिला मुख्यालय पे भी, तहसील मुख्यालय पे भी कंट्रोल रूम्स बन गए हैं, वो SDM के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, वहाँ के भी नंबर हैं, वो सारे नंबर हम आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता को संज्ञान में ला देंगे कि यदि कहीं किसी को कोई कठिनाई होती है या किसी इस तरह की बात है
तो तुरंत उसको बताएं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ आप लोगों के साथ मेरे प्रशासन के जो भी अधिकारी कर्मचारी सब लोग यहाँ हैं और यहाँ की जो चौकी है वहाँ पर भी सारे लोग हैं।